अपनी किस्म दिमागी श्रम और शारीरिक श्रम के बीच में जो अंतर है, इस अंतर को पाटने के लिए अनूप चौधरी सरी के लोगों ने जो प्रयास किया उसके लिए उनके लिए बहुत बहुत बधाई बधाई के पास। मित्रों, आज जमाना बदल रहा है और हमको भी बदलना चाहिए। एक जमाना था जब लोग सिकल मजदूर की बात करते थे, आज सिकल के मायने भी बदल गए हैं। आज खेत में काम करने वाला भी सिकल है और ऑफिस कॉरपोरेट ऑफिस में बैठने वाला भी सिकल है। आज जहाज बजाने वाला भी सिकल है और आज खेत में लावनी करने वाला भी सिकल है, अखबार छापने वाला भी सिकल है और खबर लिखने वाला भी एक प्रकार की सिकल है। हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस क्षेत्र के हैं, हम किस प्रकार से संगठित होंगे और जहां संगठन होगा तो वहां बात मानी जाएगी, जहां संगठन नहीं होगा वहां आपकी बात नहीं मानी जाएगी। आप एक दिन चलो, दो दिन चलो, 100 साल चलो या 5 दिन चलो, आपको संगठित होना पड़ेगा। और पत्रकारों को संगठित करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि दिमाग जहां होता है वहां संगठन बड़े तेजी से काम नहीं करता। इसलिए पत्रकारों को खबरों में अपना दिमाग लगाएं, लेकिन संगठन के मामले में जरा अपने दिमाग को मजदूरों के साथ रखें तो बेहतर हो। मैं ज्यादा ना कहते हुए केवल एक बात कहूंगा कि अगर आपको इस प्रदेश के और इस देश के पत्रकारों की बुनियादी सुविधाएं दिलवानी है और बुनियादी समस्याओं का समाधान करवाना है तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। अगर आप एकजुट नहीं होंगे तो दुनिया में कोई भी आदमी आपकी बात नहीं सुनेगा। इस देश के चौकीदार आप हैं। जो लोग ये कहते हैं मैं चौकीदार हूं, मैं चौकीदार नहीं है, अरे चौकीदार तो आप हो, इस देश का आपका है। आपको जगाना, आपको अपनी बात लोगों को बतानी है और जो लोग इस देश को चला रहे हैं उनसे अपनी मांग मनवाने के लिए आपको आवाज लगानी है, आवाज तेज करनी है, आवाज को ताकत देनी है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सब लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया तो सबसे पहले एक गुजारिश करूंगी आप सबसे कि नरेंद्र जी और अनूप कुमार जी के लिए प्लीज तालियां बजा दीजिए। और मेरा विनम्र निवेदन है सबसे कि एक बार वंदे मातरम जरूर कह दीजिए, वंदे मातरम। थैंक्स। अब मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। महिला पत्रकार या पुरुष पत्रकार, मैं सोचती हूँ कि कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हाँ हम लोगों की समस्या बहुत ज्यादा है। और जो मैंने शायद जो भुगता है अपनी जिंदगी में, मैं एक छोटा सा वाक्य अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड भी एक बहुत बड़ी लीडिंग अभी देश का न्यूज़पेपर है उसमें जर्नलिस्ट थे, और इत्तेफाक से मेरी किडनी डैमेज हो गई थी। उस वक्त सिर्फ 60 लोगों को अपनी कंपनी से बर्खास्त किया गया था, रीजन कुछ नहीं बताया गया था और कहा था कि यहाँ पे ताला लगा है, एडिशन बंद हो रहा है। और सिर्फ 1 महीने का वक्त मेरे हस्बैंड ने मांगा था कि मेरी पत्नी का ऑपरेशन हो जाए, तो भी वो लोग नहीं रुके थे। तो ये है आज के न्यूज़पेपर की समस्या। और उस वक्त मुझे इलाज की जरूरत थी और मैंने खुद आगे आकर नौकरी की, अपने इलाज को एक दरकिनार रख कर मैंने वो जो भोगा है उस 1 साल में शायद मैं बयान भी नहीं कर सकती। तो ये शायद मेरी हिम्मत थी कि मुझे आगे बढ़ना था। और आज जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ, ये मेरा अनुभव है कि हम लोग कितने भी चीखते चिल्लाते रह जाएंगे, किसी के कान पे कोई जू नहीं रेंगती है। ये है कि हमें एक खट्टा होकर आगे आकर अपनी समस्याओं को, बहुत जिस तरह से आज लोग बहुत इकट्ठा तो हुए लेकिन कुछ लोग यहाँ से नदारद भी है कि वो ये सोचते हैं कि शायद ये समस्या हमारी नहीं है जब तक कि वो लोग खुद नहीं इसके भागीदारी होते हैं। तो मैं चाहूंगी कि हम लोग सब एकजुट होकर अपनी समस्याएं मोदी जी तक, हम लोग अगर एक वर्ड यूज करते हैं कि चौकीदार, एक अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए जो भी करता है, शायद मुझे लगता है ये गलत है क्योंकि उस कुर्सी की हमें गरिमा बनाए रखनी चाहिए। तो हमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करते हुए अपनी समस्या को बहुत शांतिपूर्वक और अपने धरने को एक आवाज, एक संगठित होकर वहां तक पहुंचाना चाहिए जहां पे उन तक उनकी आंखें खुल जाए और ये उनको एहसास हो जाए कि नहीं, हम लोग भी कुछ मायने रखते हैं इस समाज में। अगर हम लोग नहीं खबरें देंगे या नहीं छापेंगे तो शायद
हो सकता है बहुत सारी खबरें सरकार से भी छूट जाए जो उन तक ना पहुंच पाए। तो हम आवाज है देश की, सरकार की, समाज की, तो हमें अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए और हमारी जो जो समस्याएं हैं एक संगठित तौर पर उसे वहां तक पहुंचाने के लिए हमें बहुत प्रयत्नशील होना चाहिए। बनिस्बत इसके कि आज मैं इसलिए विजिता नहीं आ पाया या वो नहीं आ पाया, हमें अपने आप के लिए, अपनी समस्याओं के लिए वक्त निकालना चाहिए। अगर लोग दूर दराज से आ रहे हैं यहाँ पे, तो जो दिल्ली में मौजूद है उन लोगों को भी हमसे जुड़ना चाहिए, चाहे वो छोटे पत्रकार हो या बड़े पत्रकार हो। समस्या सबकी एक जैसी है, इसमें छोटा या बड़ा पत्रकार कुछ नहीं होता, पत्रकार पत्रकार है और हमें अपनी समस्याओं को बहुत पुख्ता तौर पर वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, लेकिन मैंने एक समस्या बताई है कि इस तरह का व्यवहार हम लोगों के साथ किया जाता है। बड़ी कंपनीज जो होती है वो पता ये कहा जाता है कि बिक चुकी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि बिकने के साथ साथ शायद उनके अंदर कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है। तो उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसे से लेना देना है, इंसानियत से उन्हें कुछ करना नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि मेरी आवाज़, अभी मजीदिया वेज बोर्ड का जो फैसला है वो भी नहीं आया है, क्योंकि हमारा कानून जो है वो बहुत धीरे धीरे काम करता है। तारीख पर तारीख हर इंसान की, हर पत्रकार की बढ़ाती जा रहा है। कई लोग मर चुके हैं इसमें केस लड़ते लड़ते, लेकिन अभी भी कोई उसका पुख्ता तौर पर कोई रिजल्ट नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बावजूद भी जो है अभी केस उसको वापस से इधर उधर डेट दे के करा जा रहा है, लेकिन उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा रहा है। सैकड़ों पत्रकार अभी बेरोजगार घूम रहे हैं अपनी मजीदिया वेज बोर्ड के फैसले के इंतजार में, ताकि उन्हें नौकरी मिल जाए। उनके घर के जो चूल्हे बंद पड़े हैं उन्हें चालू करने के लिए कोई सरकार मदद नहीं कर रही है, और हमारे कानून भी जो है बहुत लचर और ढीलापन से फैसले सुनाता है। तो शायद इसमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि हम जैसे पत्रकारों की जिनके घरों के चूल्हे बंद पड़े हैं वो खुले और उन्हें कोई रोजगार मिले, और ये आवाज़ उन तक पहुँचे जो अपने एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे हैं, जिन्हें दुनिया की छोटे पत्रकार या किसी भी आम जनता की कोई फिक्र नहीं है, उन तक ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए। बस मैं अपना वक्त अभी यही खत्म करना चाहूँगी। फिर से वंदे मातरम, भारत माता की। और ये हथियार जो है अगर कम्फर्ट छोड़ दे, जिनके भी हाथों में ये जा रहा है, अगर वो प्रण कर ले तो महाधरना सफल हो जाएगा। जिस दिन आपने अपने कंफर्ट को छोड़ दिया उसी दिन ये धरना भी सफल होगा और आपकी मांगे भी पूरी होंगी। हम लोग क्या है, कंफर्ट के पीछे भागते हैं, और कंफर्ट हो जाए और कंफर्ट हो जाए, एक मकान हुआ दूसरा मकान हो जाए तीसरा मकान हो जाए, मोटरसाइकिल से चलते हैं, थोड़ी सी गाड़ी आ जाए, थोड़ा सा वो आ जाए। इन्हीं चीजों के चलते पत्रकारिता में जो है दाग लगती है। हम जहां हैं प्रोग्रेस कर रहे हैं, जनता के क्या दुख दर्द हैं, जनता कैसे ऊपर हो, जनता से कैसे जुड़े, इसको कहते हैं सकारात्मक पत्रकारिता। आजादी के बाद राजनीतिज्ञों को और अधिकारियों को पत्रकारों ने मजबूत किया, और आपने मजबूत करते वक्त ये भूल गए कि आपका सारा नशा ये उतार देंगे। और आज 72 सालों के बाद कितनी बड़ी पीड़ादायक स्थिति है कि आजाद इस देश को कराया गया किसके लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आने वाली, लाल बहादुर शास्त्री को किसने याद किया, आप अपने अखबारों में उनकी जगह कितनी देते हैं। लड़ाई यहाँ शुरू करनी है, कौन बात नहीं माने। जिस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अखबारों में लेख आने लगेंगे, ये भारत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का बनेगा, ये अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के सपनों का बनेगा, ये लाल बहादुर शास्त्री जी के सपनों का भारत बनेगा। जिस दिन आपने उनके विजन को जनता तक पहुंचाना शुरू कर दिया, ये सारे एयर कंडीशंस धराशायी हो जाएंगे। कंफर्ट को छोड़िए, अगर धरने प्रदर्शन में आ रहे हैं तो असली धरना प्रदर्शन है कि अपने कंफर्ट को छोड़ दिए। कंफर्ट के चलते ये समस्याएं आती हैं। तो आइए आपको फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया से रूबरू कराते हैं, वहां क्या समस्याएं हैं, क्यों अश्लील गाने बनते हैं, क्यों अखबार में छापे जाते हैं, क्यों ये परंपरा शुरू हो रही है। इसलिए कि भारत की जनता को हमने जगाया ही, इसी अखबार की इतनी औकात नहीं हो सकती कि वो हमारे परिवारों में हमारे घरों में प्रवेश करे नंगी तस्वीरों के साथ। किस टीआरपी की बात करते हैं आप, कोई जनता नहीं चाहती है टीआरपी, कोई जनता नहीं चाहती है नंगी नंगी तस्वीरें हमारे घरों में आए, हमारे बेडरूम तक पहुंचे, हमारे टेलीविजन चैनल तक पहुंचे, कोई नहीं चाहता है। कौन अपनी बेटी के साथ देखेगा नंगी तस्वीर, कौन अखबार मंगाएगा, क्यों मंगाया जाता है। हम सपोर्ट करते हैं,
हमने अपनी ताकत तो भुला दिया, हमारे अंदर वो ऊर्जा है। हम यहाँ धरना नहीं है, ये महाधरना है, और महाधरना इसीलिए भंडारी जी ने रखा है कि छोटी सोच मत रखो, छोटी सोच और पैर की मोच आपकी जिंदगी खराब कर देगी। कहाँ कमजोर है हम? नहीं कमजोर है हम, जहां हैं अपने कंफर्ट को छोड़ देंगे, बस आपके सारे सपने पूरे होंगे। कंफर्ट दुनिया लेकर आएगी आपके पास, क्योंकि हमने कंफर्ट के पीछे भागना शुरू कर दिया, हमने उसको स्टेटस बना दिया, भारत की जनता के मन में घुसा दिया कि BMW से आएगा वो बड़ा पत्रकार है, जो मोटरसाइकिल से आएगा छोटा पत्रकार है, उसने अगर ठंड के कपड़े नहीं पहने हैं, झोला लटका के आया तो वो छोटा पत्रकार है। काहे को छोटा? छोटा हमने बनाया अपने गिरेबान में सोचकर। ये महाधरना इसलिए है, एक मिनट में चुटकी बजाते कोई चीज नहीं होता, ये पूरा देश देख रहा है, और 152 ग्रुप जो IPPCI के, हमें किसी की जरूरत नहीं, ये हमारा भारत की जनता को जगाते हैं। आप बड़े बड़े चैनलों की बात करते हैं, अरे बड़े चैनल क्या होते हैं, हमने उनको बड़ा माना, हमने आपको धनी माना, हमने आपको गरीब माना, हम नहीं मानते। पूरा भारत एक है, पूरे भारतीय एक हैं। क्यों भाषा में बटते हो तुम, क्यों क्षेत्र में बटते हो तुम? अपनी गिरेबान में झांको। भारत की जनता कभी नहीं चाहती इस देश में दंगा हो, फसाद हो। दंगा फसाद लेकर आने वाले हम हैं, इसलिए हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, इसलिए हम बटे हुए हैं, हम छोटा बड़ा समझते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में क्या कुछ होता है और क्या होना चाहिए, हमारे बीच में है शिव विनायक शर्मा जी, जो राष्ट्रीय नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है फिल्म एंड टीवी मीडिया एसोसिएशन। ये फिल्मों का बहुत बड़ा रोल होता है, हमारी बचपन में जो फिल्में देखी थी हम उसी तरह के बन गए, हमें जो च्वाइस का संस्कार मिला बचपन में हम उसी तरह के बन गए, हमें जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया गया आज यहाँ इस मंच पे आ गए, वही चीज बोल रहे हैं जो प्राइमरी स्कूल में। कॉलेज में हमने कुछ नहीं सीखा, कॉलेज में तो नौकरी करने वाला कैरियर कहाँ बनेगा उसी के, लेकिन जो संस्कार मिले वो प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी स्कूल का बजट क्यों कम, क्यों प्राइमरी स्कूल का बजट सबसे बड़ा करो, पूरे भारत के जनरेशन चेंज हो जाएगी अगर प्राइमरी स्कूल का बजट बड़ा हो गया। ये सब चीजें हैं, हमें उस तरफ ही जाना पड़ेगा। फिल्म इंडस्ट्री में अश्लील चीजें आ गई थी, अभी भोजपुरी को लेकर माथा फोड़ रहे हैं लोग। जब ये भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता आई उस वक्त पत्रकारों ने क्यों नहीं अभियान चलाया? हमारे भी सुरेंद्र आनंद जी हैं, RGS स्टार है, मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूंगा। आपके बीच थोड़ा सा मनोरंजन, जो देशभक्ति हो क्या होती है, जो आदमी जीता है, इंडिया न्यूज, आज तक, आज समाज, इंडिया न्यूज का पत्रकार, ये RGS स्टार है, आपका स्वागत है। अभी थोड़ी देर में आपके अंदर हम तो गद्दे में बोल रहे हैं, ये संगीत में बोलेंगे। हमने स्पेशल इनको इन्वाइट किया है, भंडारी जी से मैंने कहा कि थोड़ा सा हम लोग जो है ऐसे लोगों को भी इज्जत दें, हमारे पत्रकार भाई के अंदर भी कला है, वो कला जो है देश के सामने आनी चाहिए। आज हमारे भाई आए, ले जाइए बैठी, सुरेंद्र आनंद जी हैं, RGS स्टार। अब हम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आपको रूबरू कराते हैं। मैं चाहूंगा कि शिव विनायक शर्मा जी फिल्म इंडस्ट्री की वो चीजें बताएं कि आखिर क्या पत्रकारों को क्या करने की जरूरत है, जिससे कि फिल्म इंडस्ट्री के पत्रकार भी जो पत्रकारिता करते हैं उनको भी दशा और दिशा दिया गया है। मैं भी राष्ट्रीय मीडिया फाउंडेशन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते मैं इस आंदोलन को अपना समर्थन देता हूँ। आपके संस्था के माध्यम से मैं कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ, और इस संगठन के द्वारा 20 राज्यों में सकारात्मक बैठक का आयोजन किया जा रहा है, और पत्रकारिता क्षेत्र को संवैधानिक दर्जा दिए जाना और भी अन्य मांगों को लेकर जो बैठक आयोजित की जा रही है, निरंतर शासन से मांग की जा रही है कि पत्रकारिता को संविधान का दर्जा दिया जाए, और इसी सभी विषयों को लेकर हम लोगों के द्वारा मध्यप्रदेश पहल की जा रही है। राष्ट्रीय मीडिया फाउंडेशन परिवार के माध्यम से भी हम लोगों के द्वारा मध्य प्रदेश के अंतर्गत में प्रत्येक जिलों में यह पहल की जा रही है। हमारे यहाँ पे अनेकों प्रकार की घटना हो रही है, पत्रकार लोग प्रताड़ित हैं। हमारे यहाँ पे एक पत्रकार, मैं जिस जिले पर ब्लॉक करता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, संदीप पोखरी नाम का एक व्यक्ति पत्रकार युवा लड़का जिसकी निर्ममता से हत्या कर दी गई, आज तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला। हमारे शिवराज जी चौहान पुराने मुख्यमंत्री रहने के बाद उनके पास परिवार गया, निवेदन किया कि इसकी जाँच की जाए, दोषियों पर कार्रवाई की जाए,
परंतु आज तक उनको कोई न्याय नहीं मिला, सिर्फ अवशासन के अलावा कुछ नहीं किया गया। ऐसी सभी स्थिति को देखते हुए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि हम किस तरह से अपने पत्रकारिता क्षेत्र में हमारे साथियों को सुरक्षित किया जाए, मान सम्मान हमारा बना रहे। आज हमारा मान सम्मान गरिमा शासन प्रशासन के द्वारा खत्म की जा रही है। आज WJIL के लोगों ने जो आंदोलन किया जा रहा है, 28 मांग को उन्होंने रखा है। मैं जानता हूँ कि प्रशासन अगर ये मांगों को पूरा करता है तो हम लोग बहुत सुरक्षित हो जाएंगे, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ और भगवान से सद्बुद्धि दे प्रधानमंत्री जी को कि यह आंदोलन सफल हो और उनकी मांगों को स्वीकार कर ले। मैं उदयजीत सिंह मन्ना जी का आभारी हूँ, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस आयोजन के लिए, और इस मंच में अन्य बुद्धिजीवी पत्रकार साथी बुजुर्ग सम्मानित जन भी हैं जिन्होंने मार्गदर्शन दिया, उनके सामने मैं ज्यादा नहीं कह सकूंगा, इसलिए मैं सबको प्रणाम देते हुए धन्यवाद। संजय उपाध्याय जी, डबल स्क्वायर संजय भाई कही हैं, भूपेंद्र चौधरी जी का हृदय से आभार करते हैं, हम व्यक्त करते हैं कि एक ऐसा मंच साझा किया जहां पर पत्रकारों की बात नहीं, हम संगठनों को एकजुट करने की बात करते हैं, क्योंकि हम संगठन अगर एकजुट कर लेंगे तो अब सारे पत्रकार हमारे अपने हो जाएंगे सर। यहाँ पे सबसे बड़ी बाधा ये होती है कि जब भी हम अपने स्टेट में कहीं भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो एक संगठन कार्य करता है तो दूसरा संगठन जमकर विरोध करता है, अच्छी तरह से विरोध करता है। तो जब संगठन सब सारे एक हो जाएंगे तो इसका उपाय जो है कुछ अच्छा ही रिजल्ट निकल के आएगा, जहाँ तक हम समझ रहे हैं। रही बात पत्रकारों की, तो पवन जी ने बताया अभी 5-10 मिनट पहले बताया उन्होंने कि हम लोग अपनी बातें नहीं उठाते हैं, अपनी कमजोरियाँ छुपा के रखते हैं। छुपा के इसीलिए रखते हैं कि कोई इसको पूरा नहीं करने वाला होता है, बल्कि रिजल्ट वही सामने होता है कि अगले दिन हमारी नौकरी चली जाती है सर, यही कन्फर्म होता है। लेकिन उसके लिए वर्किंग लिस्ट ऑफ इंडिया आ गया है, और अभी हमने एक महीना पहले हमारे यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी है मिनिस्टर, और एक कैबिनेट की बैठक होने के बाद में वो प्रेस को ब्रीफिंग करने के लिए आए महोदय, तो तरह तरह के सवाल हो रहे थे तो उसमें हमने सवाल उठा दिया। तो एक पत्रकार मित्र ने हमारे जो उसकी वीडियो क्लिप बना लिया तो काफ़ी वायरल हुआ, तो इसका एक अच्छा संदेश गया कि उन्होंने बुलाया, फोन करके बुलाया, हमारे यहाँ सारे संगठन को बुलाया, हमको भी बुलाया, और उससे उन्होंने कहा कि हम आश्वासन देते हैं कि कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हमने कहा करेंगे सर क्या, या तो हम लोग को मजदूर ही बना दीजिए, या पत्रकार अगर बनाते हैं तो आप वेज बोर्ड क्यों नहीं लागू करते, आप उसको करिए, लागू करिए, आपके हाथ में है। तो अब हम लोगों को लड़ना होगा सर, हमारे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि अगर हम लोग को संरक्षक अच्छे से मिल गए हैं, भारतीय मजदूर संघ हमारे साथ में है, हमारे साथ में नरेंद्र भंडारी जी हैं, तो हम लोगों को डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की नहीं। खास करके उत्तर प्रदेश में भैया आप लोग हमारा नंबर नोट करिएगा और याद करिएगा, तन मन धन जैसे भी होगा हर पत्रकार के साथ हम खड़े रहेंगे सर, क्योंकि हमारे यहाँ पत्रकारों की जो यूनिटी है बहुत ही अच्छी बनती जा रही है सर। इसके आगे बोलना हमें उचित नहीं अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।